Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सफलता ऐसा शब्द है जिसकी जिसके लिए हर व्यक्ति का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ने अभी अभी वेस्टीज में ज्वाइन किया है तो उसके लिए 40-50 हजार रुपए की आय पर पहुंचना एक सफलता है। अभी कोई व्यक्ति ने जस्ट ब्रॉन्ज किया है तो उसके बाद में सिल्वर या गोल्ड रहते हुए एलओबी लेना, अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना, ये उसकी परिभाषा है सफलता की। तो सफलता एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज तो कंफर्म है कि आप सभी लोग जहां से भी आज पूरे देश भर से आप जुड़े हुए हैं, आप सफल होना चाहते हैं। तो सफलता का जो सिस्टम है या प्रोसेस है जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ, आज वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले चीज तो हमें ये समझनी है अपने माइंड में कि हम वेस्टीज में क्यों आए हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा प्रथम पड़ाव क्या है। जैसे जब मैं वेस्टीज में आया था तो मैंने अपने लिए लक्ष्य रखा था कि मेरा जो प्रथम पड़ाव होगा सफलता का वो होगा 2 लाख रुपए। तो ये सभी लोगों का अलग अलग होता है, उनकी सिचुएशंस को देखते हुए और उनके एक्सपीरियंसेस और अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में एक माइंडसेट करना है कि मेरा पहला सफलता का पड़ाव क्या होगा, उसको आप एक अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। वो हो सकता है, कोई बिल्कुल बिगनर है उसके लिए वो 20,000 भी हो सकते हैं, और किसी के लिए 50,000 हो सकता है, किसी के लिए वो बेंचमार्क 1 लाख रुपए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि सीधा बहुत बड़ा लक्ष्य ना रखें। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो सीधा 10 लाख रुपए अभी ना रखें, अपना प्रथम पड़ाव वो रखें जिस अमाउंट से आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो छोटा अमाउंट हो कोई बात नहीं, आप पहले वहां पहुंचिए स्टेज 1, फिर उस पड़ाव को आप आगे इंक्रीज करेंगे। ये ऐसा है जैसे समझ लीजिए मुझे यहां से गाड़ी चला करके सपोज जयपुर जाना है और मैं अभी नोएडा में हूं, तो मेरा पहला पड़ाव क्या रहेगा, मेरा पहला पड़ाव होगा कि मैं गुड़गांव पार कर जाऊं, यानी दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है उसे पार कर जाऊं। शायद उसके बाद मैं अपना अगला लक्ष्य रखूंगा कि मैं मिडवे पे कोटपुतली पार कर जाऊं या अन्य कोई जगह हो। सो इस तरीके से स्टेजेस में, तो अपने टारगेट को छोटे छोटे उस पर ब्रेक करें ताकि उसके बाद आपके लिए आसान हो उस पर फोकस करना, और इसको अमाउंट में जरूर कन्वर्ट करें। तो जो भी अमाउंट को आप कंफर्टेबल समझते हैं, प्रथम अपने लिए वो अमाउंट पर आप फोकस करना शुरू कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी 1-2 लाख रुपए की इनकम पर हैं तो आपका अगला पड़ाव जो भी होगा, राइट, जो भी आप अपने लिए उचित समझते हैं, सो वो आप अपना एक सबसे पहले लक्ष्य तय कीजिए। नाउ लक्ष्य तय करने के बाद में अब आपने एक चीज को समझना है कि इसको प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से अगर आप चलेंगे या इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे, एक सशक्त टीम बनाएंगे, तो ये इनकम तो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आप निरंतर सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि हम इसको अचीव करने के लिए बहुत डेस्परेट होंगे, हम बहुत सारे शॉर्टकट्स लेंगे, तो ये चीज जो है वो कंसिस्टेंटली नहीं आ पाएगी, और फिर हमारा जो बिजनेस है वो फ्लक्चुएट होता है। तो हमें सिंपल सी बात ये समझनी है कि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के जरिए हमें गुजरना है। तो वो प्रोसेस क्या है, अब इसको हम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उस चीज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको अपने माइंड को लगातार फोकस कराना है उस गोल पर, जो भी गोल के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आप उचित समझते हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। सो दिन रात, अब इसके लिए कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा करी है, लेकिन फिर भी बहुत नए लोग आते रहते हैं तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। आप इसका एक स्क्रीन सेवर लें। सपोज किसी का लक्ष्य है से 50,000 रुपए या, राइट, तो 50 रुपए का एक नोट लिया, उसके आगे आपने 3 जीरो बनाए, उसकी एक फोटो खींची अच्छी सी और उसको अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लीजिए। उस नोट को आप अपने फोन के बैक साइड में जो कवर होता है, जनरली आजकल बहुत से लोग कवर यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, सो उसका जो जनरली कवर ट्रांसपेरेंट हो, और उसके पीछे उस नोट को लगा दीजिए। ऐसा ही एक नोट आप अपने जहां सुबह उठ करके आप मुंह धोने जाते हैं मिरर पे, वहां लगाइए, एंड जहां आप सोते हैं बिस्तर के सामने, जहां भी वो आपको दिख सके, तो वहां ये 2-3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको वहां पे लगा लीजिए। नाउ इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये जो लक्ष्य आपने रखा है, दिन रात आपका जो ध्यान है
ऑटोमेटिकली वो उस पे जाता रहे। ये गोल आपके कॉन्शियस माइंड में भी हो, सबकॉन्शियस माइंड में भी हो, चेतन मन में भी हो और अवचेतन मन भी में भी हो। क्योंकि गोल्स के बारे में एक अंग्रेजी में कहावत है, गोल्स आर नेवर आउट ऑफ रीच, दे गो आउट ऑफ साइट। व्हेन दे गो आउट ऑफ साइट दे ऑटोमेटिकली बिकम आउट ऑफ रीच। अर्थात कोई भी लक्ष्य जो है वो हमारी पहुंच के बाहर नहीं होता, लेकिन वो हमारी नजरों से दूर हो जाता है, और जब नजरों से दूर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारी पहुंच से दूर हो जाता है। इसके ऊपर मैं आपको एक रियल वाक्या सुनाना चाहूंगा। सालों पहले एक महिला थी, उनका नाम फ्लोरेंस था, और उन्होंने, वो तैराक थी, स्विमर थी, उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य रखा कि वो इंग्लैंड से लेके जो फ्रांस के बीच में जो समुद्र है उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, तो उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य रखा कि मैं इस इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करूंगी, और मैं पहली महिला होंगी विश्व की जो इस रिकॉर्ड को कायम करूंगी। तो क्योंकि वो स्विमर थी, उन्होंने अपना ये लक्ष्य रखा, और इसके लिए उन्होंने, उनके जो कोच थे उनके साथ में उन्होंने ट्रेनिंग करनी शुरू करी। कोई 6 महीने का समय उन्होंने लिया इसकी तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने माइंड को कूल एंड काम करने के लिए योग अभ्यास किया, मेडिटेशंस करी, ध्यान लगाना शुरू किया, और सुबह सुबह भी 3-4 घंटे की अभ्यास, स्विमिंग का अभ्यास, शाम को भी 3-4 घंटे का स्विमिंग का अभ्यास, अपनी डाइट इस तरीके से करी जिससे कि उनकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग हो और मसल्स उनकी स्ट्रांग हो, वो सारी एक्सरसाइजेस करी, और इस पूरी उन्होंने अपनी तैयारी करनी शुरू करी, फिजिकल तैयारी, मेंटल तैयारी, स्पिरिचुअल तैयारी, तीनों तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। तो 6 महीने तक उनकी तैयारी चली, और अल्टीमेटली वो दिन आ गया जिस दिन उन्होंने उस अपने लक्ष्य को पूरा करना था, या अपना जो टारगेट उन्होंने रखा था इंग्लिश चैनल को पार करने का, सो वो उन्होंने अटेम्प्ट करना था। सो उन्होंने तैरना शुरू किया, उनके बगल में बोट थी, उस बोट में उनके कोच थे, डॉक्टर्स की टीम थी ताकि अगर कोई मेडिकल अर्जेंसी हो तो तुरंत वो उनके लिए सारी चीजें उपलब्ध रह सके। सो ये पूरा का पूरा सेटअप उनके साथ में बोट पे चल रहा था। उनको तैरते तैरते 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। अब वो थकने लगी, थकान होने लगी शरीर में, मेंटली भी, और उनके जब वो बाहर देखती तो उनको उस दिन जो मौसम था वो ठंड का मौसम था, धुंध का मौसम था, तो जब वो 10-12 घंटे के बाद में वो गिव अप करना सोचने लगी, उनके माइंड ने कहना शुरू किया कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत थकान हो गई, इट इज वेरी डिफिकल्ट, पानी भी बहुत आपको ठंडा था, लेकिन जब भी वो बाहर देखती उनको धुंध की वजह से जमीन नहीं नजर आती थी, कोई भी चीज नजर नहीं आती थी, धुंध ही धुंध नजर आती थी। तो लगभग 12-13-14 घंटे हो गए स्विम करते हुए, तो उन्होंने अपने कोच से कहा कि मुझसे नहीं हो रहा अब, आई एम वेरी टायर्ड, तो आई वॉन्ट टू गिव अप। तो उनके कोच ने कहा नहीं, थोड़ा सा रह गया, कम ऑन, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, उनको बकअप किया। तो उन्होंने और प्रयत्न किया और कोशिश करी, लेकिन जितनी वो कोशिश कर रही थी जब भी वो बाहर देखती उनको जमीन नजर नहीं आती और उनको सिर्फ धुंधी धुंध नजर आती, और बार बार उनका माइंड उन्हें एक ही चीज कह रहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, नहीं होगा। सो उन्होंने वापस अपने कोच को कहा कि अब मेरे लिए संभव नहीं है और मैं नहीं कर पा रही हूं। तो उनके कोच ने फिर से उनको प्रेरित किया, काफी प्रेरित किया, और कहा बस आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, सो गिव अप करने की बात तो आप सोचिए भी नहीं, बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य पर होंगी। उन्होंने फिर से हिम्मत करी, लेकिन फिर जब वो बाहर देखती तो वो उन्हें धुंध ही नजर आती और लैंड नजर नहीं आ रहा था जहां उन्हें पहुंचना था। तो अल्टीमेटली 16 घंटे और कुछ मिनट, तकरीबन 16-16.5 घंटे के संघर्ष के बाद में शी गिव अप। तो जब उन्हें निकाला गया और वो बात थोड़ी देर बाद जब उनको बाकी सारी चीजें दी गई, उन्हें वो बहुत ज्यादा हताश हुई, निराश हुई ये चीज को जान करके कि उनका जो लक्ष्य था वो मात्र 1.5 किलोमीटर दूर रह गया था, और वो उन्होंने जो गिव अप किया वो थकान की वजह से गिव अप नहीं किया, ठंड की वजह से गिव अप नहीं किया, या खतरनाक शार्क मछलियों के डर की वजह से गिव अप नहीं किया। अल्टीमेटली रीजन क्या था कि उनको उनका लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब भी वो बाहर देखती धुंध दिखती थी और उनके कोच उनको हालांकि बता रहे थे देखो इतना रह गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्हें यही लगा कि ये मेरे गुरु हैं, इनका तो काम ही है मुझे आगे बढ़ाना या मुझे इंस्पायर करना, लेकिन पता नहीं जमीन कितनी दूर है। तो अल्टीमेटली वो गिव अप उन्होंने क्यों किया या वो अपना लक्ष्य पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो उनकी नजरों के सामने रह नहीं पाया ड्यू टू वेदर। सो लेकिन वो बहुत साहसी महिला थी, उन्होंने वो इस चीज से उस समय जरूर निराश हुई, लेकिन उन्होंने फिर निर्णय लिया कि एक मैं दोबारा से ये प्रयत्न करूंगी, मैं दोबारा से ये अटेम्प्ट करूंगी। सो इसके बाद में उन्होंने
फिर से एक डेट रखी और ज्यादा तैयारी करनी शुरू करी, अपने को और ज्यादा मेंटली टफ बनाया, फिजिकली टफ बनाया, अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा हार्ड करी, अपनी डाइट को भी और ज्यादा उन्होंने बेहतर बनाया ताकि उनकी बॉडी उस लोड को ले पाए और पूरे तरीके से वो समर्पित हो गए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद में जब उनकी जो नेक्स्ट डेट थी जब वो आई, उन्होंने जब तैरना शुरू किया तो इस बार जो मौसम था गर्मी का मौसम आ चुका था, मौसम खुला हुआ था, सो उन्होंने तैरना शुरू किया। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, एंड अल्टीमेटली ना सिर्फ उन्होंने इस बार अपने लक्ष्य को पूरा किया बल्कि उन्होंने टोटल टाइम पिछली बार से भी लगभग 2.5-3 घंटे कम लिए। और जहां पिछली बार वो 16-16.5 घंटे में भी अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाई थी, तकरीबन 12.5-13 घंटे में उन्होंने अपने लक्ष्य को भेद दिया, वो सफल हो गई। क्योंकि इस बार क्या था, मौसम खुला हुआ था, जब भी उनके मन में ये विचार आता कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर दूं, वो सामने देखती दूर उनको कोना नजर आता, यानी वो धरती नजर आती जो उनका लक्ष्य था, और ऑटोमेटिकली उनकी जो शक्ति थी वो दुगनी हो जाती, उनका उत्साह दुगना हो जाता और सारी थकान उनके शरीर से निकल जाती, शारीरिक या मानसिक, और वो टोटल फोकस्ड रह पाई और अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई। अर्थात बात का इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि लक्ष्य कभी भी हमारी पहुंच से दूर नहीं होते, वो हमारी नजरों से दूर हो जाते हैं, और जब लक्ष्य हमारी नजरों से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी पहुंच से भी स्वतः ही दूर होने लगते हैं। इसलिए कभी भी आपका लक्ष्य आपकी नजरों से दूर ना हो, तो जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है, पहला सफलता का पड़ाव आप जिसको मानते हैं उसको रुपए में कन्वर्ट करके उसको अपने स्क्रीनशॉट स्क्रीन सेवर पे लगाइए, व्हाट्सएप पे भी आप अपना बैकग्राउंड उसी को लगाइए, और आपके बैक ऑफ द फोन पे, आपके मिरर पे, हर चीज पे। क्यों? ताकि ये जो लक्ष्य है ये कभी भी आपकी नजरों से दूर ना हो, चेतन मन में, अवचेतन मन में ऑटोमेटिकली ये आपका लक्ष्य पहुंच जाए। इतना ही नहीं, आप अपने पर्स जो आप रखते हैं उसमें भी आप इस ये नोट, जहां हमारे पर्स में एक ऐसी जगह होती है फोटो की जगह जनरली या क्रेडिट कार्ड की जगह जो ट्रांसपेरेंट होती है, तो वहां पर भी आप इसको अवश्य लगाएं ताकि बार 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 जाने अनजाने अच्छी तरीके से ये जो लक्ष्य है वो आपके अंदर बिल्कुल पूर्णतः समा जाए। तो ये पहला प्रोसेस का ये स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, जैसे संजय के साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे, मैं लॉकडाउन में इन्होंने आपने से बहुत से लोगों को मेडिटेशन कराई, ध्यान कराया, बहुत अच्छी चीज है। तो मैं ये आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि आप सभी लोग दिन में कम से कम 15-20 मिनट एक सेटिंग में और 15-20 मिनट शाम को, यानी कम से कम आधा एक घंटा आप अपनी मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए जरूर निकालें, राइट? क्योंकि मेडिटेशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन परसों मैंने मेरे स्पिरिचुअल गुरु से सुनी और वो मुझे उनसे मैंने सीखा, परसों ही सीखा, आज मैं बहुत अच्छी मुझे बात लगी तो मैं आपके समक्ष रखूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। जब हम प्रेयर करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, किसी भी तरीके से करें, चाहे हम ऐसे करें या कुछ लोग ऐसे करते हैं डिपेंडिंग, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, तो आप जैसी भी इबादत करते हैं, इबादत में और मेडिटेशन में क्या फर्क होता है? देखिए, जब हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा इज वी कम्युनिकेटिंग टू गॉड, यानी हम गॉड से बातचीत कर रहे हैं। अब उसका उत्तर वो दे ना दे या कब दे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट का मतलब क्या है, एक होते हैं शरीर से, मन से और आत्मा से, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, देन हम एक ऐसी स्टेट में आते हैं, हमारा माइंड गायब हो जाता है एंड हम टोटल एक तानत ध्यानम हो जाते हैं, यानी हमारा ध्यान एक ही जगह पे लग जाता है और हमें बॉडी का एक्सपीरियंस आना, बॉडी बिल्कुल जैसे खत्म हो गई या बिल्कुल लाइट हो गई, इस तरीके का अनुभव होता है। सो जब आप मेडिटेशन करते हैं, दैट मेडिटेशन इज गॉड स्पीकिंग टू यू, दैट इज द गॉड कम्युनिकेटिंग टू यू, दैट इज व्हाट द मेडिटेशन इज। आप में से बहुत से लोग संजय के साथ में जुड़े हुए हैं, सुबह का अभ्यास आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा, और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया तो बहुत सिंपल टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं वो बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल टेक्निक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बिगिनर्स हों तो आप कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक लगाइए, सोलफुल म्यूजिक लगाइए, होपफुली ईयरफोन लगाइए, और उसके बाद आंख बंद करके सिंपल ब्रीदिंग पर फोकस करना शुरू कीजिए, डीप ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, अपना सारा फोकस जो है वो म्यूजिक कान में जाने दीजिए,
राइट, सोलफुल म्यूजिक या मेडिटेटिव म्यूजिक, एंड उसके बाद आप सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, लंबी गहरी इनहेल करिए, लंबी गहरी एक्सहेल करिए, यानी लंबी सांस जानबूझ करके लेनी है, जानबूझ करके लंबी गहरी सांस छोड़नी है, पूरी इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन पे जाएं, एक्सहेल भी पूरा करें जहां तक संभव हो, तो ऑटोमेटिकली आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचते जाएंगे। लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है एक मिनट में, सॉरी हमारा हार्ट काम करता है एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, सिमिलरली जो हमारा ब्रेन है वो उसकी जो मेजरिंग यूनिट है उसको बोलते हैं सीपीएस या साइकल्स पर सेकेंड। तो लगभग 21 साइकल्स पर सेकेंड के आसपास एक एवरेज ह्यूमन बींग का दिमाग नॉर्मली काम करता है। Now, जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, तो यही हमारी जो साइकिल पर सेकंड है बढ़कर हो जाती है 30-35, और इसीलिए उस अवस्था में हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। और इसीलिए कहावत बनी है, आपने अवश्य सुनी होगी, कि गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, या कई बार हम ओवर एक्साइटमेंट में भी सेम स्थिति हो जाती है। लेकिन जब हम इस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी साइकिल्स पर सेकंड रिड्यूस होती है, कम होती है, वो पहुंचती है 12-14, यही मेडिटेटिव स्टेट है। और जब आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज्यादा गिर जाती है, 10-12 हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। सो आप टोटल ध्यान अपना ब्रीद पे रखिए, और उसके बाद में आप जो चीज चाहते हैं अगर आप उसको सिंपली विजुअलाइज करेंगे या उसको देखना शुरू करेंगे, सपोज आप 1 लाख रुपए आपका लक्ष्य है, उदाहरण दे रहा हूं, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, समझने की बात है। तो सिंपल आपने सिर्फ वो 1 लाख के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे, लाइक 1 लाख का जो नोट आपने बनाया है उसे विजुअलाइज करेंगे उस समय, तो ऑटोमेटिकली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है, एंड आपकी तरफ से यूनिवर्स को एक अर्जी जाने लगती है कि दिस इज व्हाट यू आर डिमांडिंग, ये आप डिमांड कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। ये एक मेंटल प्रोसेस है जो आपने नित दिन इसको फॉलो करना है। इससे जब आप इस तरीके की डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपके ये आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर ब्रीदिंग का इतना अफेक्ट है, अगर आप इस तरीके की ब्रीदिंग करें, ये आपकी बॉडी को चेंज करने लगती है, आपको सेल्स को एक्टिवेट करती है, उन्हें ज्यादा हेल्दी बनाती है, सो फिजिकली भी आप अपने अंदर बहुत डिफरेंस पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम मेंटली भी आपका माइंड कूल, काम एंड रिलैक्स होने लगेगा। एंड जब माइंड को आप थोड़े टाइम के लिए शट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करता है, और ना सिर्फ ये बल्कि 90% जो वो विचार होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आते हैं, जैसे ये कैसे होगा, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, मेरा नेटवर्क अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं है, एंड तरह तरीके के विचार। तो जो हमारा माइंड है नेचुरली उसका काम है इस तरीके के थॉट्स को प्रोड्यूस करना। सो जब हम इस ये क्रिया करते हैं, हम अपने माइंड को शट ऑफ कर देते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वो बहुत रिफ्रेश फील करता है, क्योंकि हमने उतनी देर के लिए उस विचार को स्टॉप कर दिया। जैसे योग का मतलब ही है टू बी वन विद होम, वन फर्स्ट विद योरसेल्फ, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, एंड देन बीइंग वन विद द क्रिएटर, द गॉड और द यूनिवर्स, जो भी आपके लिए जो भी मतलब आप समझते हो। सो ये क्रिया को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद प्रैक्टिस आप इसमें धीरे 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 बेहतर होते जाएंगे, बट मेक इट अ रेगुलर पार्ट ऑफ, मतलब इसको अपना डेली रिचुअल बना लीजिए, और सुबह उठते ही अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और दिन में भी जब भी समय मिले, सपोज आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर बस में हैं, ट्रेन में हैं या गाड़ी में पीछे बैठे हैं, तो जब भी आपको मौका मिले ये इस क्रिया को दोहराते रहिए, इस सिंपल क्रिया को दोहराते रहिए, राइट। सो इससे आप काफी डिफरेंस अपने अंदर आप देखने लगेंगे। सो दिस इज योर मेंटल कार्य है, ये आपका आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।